हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आज मैंने मॉर्निंग में कर लिया है थोड़ा सा मेकअप, बिकॉज शॉप पे आने लगे हैं लोग। और मेकअप में मैंने यूज किया है बेस, और ये क्रायलॉन का बेस है, तो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है मेरे फेस पे, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और बहुत न्यूट सी लिपस्टिक है, और क्रीम ब्लश ऑन लगाया है मैंने। और अगर आपको ये सिंपल सा न्यूट मेकअप देखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कि मैं रोज़ अगर मुझे थोड़ा सा मेकअप करना होता फाउंडेशन वाला तो मैं कैसे करती हूँ। फिलहाल मैं मेकअप नहीं करती हूँ, हमेशा मॉइस्चराइज़र से काम चलाती हूँ। बट शॉप पर अगर आते हैं लोग तो थोड़ा सा करना पड़ता है, यू नो, अपने आप को मेंटेन दिखाने के लिए और मेंटेन रखने के लिए भी। और फिलहाल हम इस वर्क में, इस लाइन में, कि हमें अपने आप को अच्छा दिखाना ही पड़ता है। और सिर्फ मैंने लगाया मस्कारा और आईज के जो ये वाटर लाइन है इस पे मैंने लगाया काजल, और बस मेरा लुक रेडी हो गया है। और चलिए, और आपको काम कितना भी हो किचन में तो आना ही पड़ता है, तो किचन में आने पे मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी आलू बैंगन की सब्जी। मॉर्निंग में मैंने मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी, जो कि हैवी नाश्ता हो गया है। और अभी हो रहा है 12 o'clock, और मैं अभी खाना बना रही हूँ, बिकॉज शॉप पे कोई भी आ जाता है तो फिर खाना नहीं बन पाता है, इसलिए मॉर्निंग से ही मैं खाना बना के रख देती हूँ, जिससे नायशा और अभी अपना खाना खाते रहे। और आज थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, देखिए अगर टाइम मिल गया तो गई, और नहीं मिला तो शायद ना जा पाऊँ। फिलहाल मेरा थोड़ा सा है अभी शॉपिंग का, और वो तो होता ही रहेगा, बिकॉज दो शादियों की शॉपिंग करनी है मुझे। एक होती तो हो गया था मेरा एक शादी वाला, बट दो शादियों की शॉपिंग करनी है, तो बस अभी तो चलते रहना है, नवंबर तक शॉपिंग ही करनी है मुझे, तो वो तो आप ब्लॉग में देखते रहेंगे फिलहाल। और देखती हूँ शॉप पे क्या काम आता है, और जैसे भी कुछ शॉप पे कुछ नया वर्क आता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कुछ भी इंटरेस्टिंग आया अगर तो शॉप पे अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग आया तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। 30 खाना मैंने बना लिया, और मैं जा रही हूँ खीरा खाने। सोच रही थोड़ी सी डाइट कर लूँ, बिकॉज ले लिया है मैंने लहंगा, और अगर अब उसमें आ ना पाई तो फिर थोड़ा सा वेट लॉस सोच रही कर लूँ, इसलिए रात का डिनर सोच रही हूँ स्किप कर दूँ। स्किप क्या कर दूँ, सोचती हूँ थोड़े लाइट लेने लगूँ डिनर, और सैलेड वगैरह से ज़्यादा पेट भरूँ, खाना बहुत कम खाऊँ। सुबह मैंने बनाई ज़रूर थी पकौड़ी, बट वो अभी के लिए थी, मैंने एक दो खाई बस, एकदम से तो नहीं छोड़ सकती हूँ खाना, धीरे धीरे कम करूँगी। आज राइस भी मैंने स्टीम वाला बनाया है, जिससे उसका स्टार्च निकल जाए तो थोड़ा सा फैट फ्री हो जाए। और अभी सोच रही हूँ कि डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर लूँ, जिससे अच्छा जल्दी फैट पड़े, बिकॉज दो ही मंथ है हमारे पास, दिसंबर में शादी है, तो 2 months हैं अभी मेरे पास वेट लॉस के लिए। तो आप बताइएगा गाइस कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं खा रही हूँ खीरा थोड़ा सा, और क्योंकि भूख लगी है। और आजकल आपने थोड़ा सा वीडियो में देखा होगा मेरा फेस इधर उधर होता रहता है, बिकॉज मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं फ्रंट कैमरे से बनाती थी, और अभी बैक से थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला रही हूँ, बैक कैमरे से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज बैक कैमरे की क्लियरिटी थोड़ी अच्छी होती है इसलिए। और थोड़ा सा 19-20 अगर इधर उधर फेस हो जाता है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बैक कैमरे से कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो शायद अच्छे से बनने लगे। तो चलिए, जब तक फ्रेंड्स की टिकड़ी आ गई है लहंगे की शॉप पे, बिकॉज हमें जाना है अभी एक डांडिया के फंक्शन में, और हमें लेना है लहंगा फॉर डांडिया। तो ये देखिए, और हम साथ तीनों लोग ने ही लहंगे सेलेक्ट किए हैं डांडिया के लिए, तो जो कि मेरे आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। और बताइएगा कि कौन सा लहंगा अच्छा लग रहा है। ये तीनों ही देखिए मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि लहंगा चूज़ कर रहे हैं, मैंने भी एक लहंगा फाइनल किया है, तो बहुत जल्द आपको हम डांडिया वाले लुक में दिखेंगे। और हे गाइस, तो आज है 10 अक्टूबर, और मैं जा रही हूँ फेशियल कराने, अभी जो मैंने मेकअप लगाया है तो
तो मेकअप निकाल के मैं आपको आफ्टर और बिफोर दोनों पिक दिखाऊंगी। और मैं कराने जा रही हूँ लोटस का रेटिनॉल फेशियल, तो दिखते हैं उसका रिस्पॉन्स और रिजल्ट क्या है। आइए चलिए मैं पहले आपको रेटिनॉल का फेशियल दिखाती हूँ कि वो कैसा है। तो ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह के 6 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है इसमें। करवा चौथ और आने वाले जितने भी फंक्शन हैं उनके लिए करा लिया है फेशियल। ये मेरा लोटस का रेटिनॉल फेशियल है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है। और फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिवल आने वाले हैं और ये देखिए बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात से बारिश हो रही है, रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है, सोचिए। और शॉप में भी पानी कहीं से आ गया है, तो ये देखिए पूरा पानी है, शॉप भी क्लोज है क्योंकि इतनी बारिश में कौन आएगा। तो बारिश कहीं कहीं के लिए अच्छी, बट जैसे अभी सीज़न है और उसमें बारिश होने में सब कुछ ख़राब हो जा रहा है, पूरा फेस्टिवल ख़राब हो रहा है बारिश की वजह से। कोई भी नहीं आ पा रहा है शॉप पे, लड़कियां भी नहीं आ पाई हैं बारिश की वजह से, क्योंकि उनको भी कोई कन्विंस नहीं मिल रहा है आने के लिए, कैसे आएंगे। तो पूरा बहुत ज़्यादा बारिश ने मूड ऑफ कर रखा है, रात से बारिश हो रही है। वो करवा चौथ है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना शॉपिंग हो पा रही, लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सारा फेस्टिवल चौपट हो गया है, सारे बिजनेसमैन का बहुत लॉस हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा हम जैसे लोगों का जो सीज़न है बारिश की वजह से सब बंद है, ठप है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। 2 hours later इतनी बारिश में मेरा पार्सल आ गया है, बहुत ज़्यादा बारिश में बेचारे देखे गए हैं वो। और बट पैकिंग देखिए, मैं तो पैकिंग खोल खोल के परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा मीशो से ये मैंने मंगाया है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट मैं तो पैकिंग खोल के ही परेशान हो गई। और फाइनली ये मेरे इयररिंग्स आ गए हैं जो मुझे अभी पहनने हैं फेस्टिव सीज़न में, तो ये बहुत सुंदर आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो मैं बहुत जल्द इसको पहन के दिखाऊँगी आपको। और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मुझे, ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है। बंद होते ही हम गए हैं बाहर कुछ खाने, क्योंकि 2 दिन से हम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये हम लोग आ गए हैं एक जगह खाने के लिए। The next morning. Hello guys, welcome back to my channel, The Nuts World. कैसे आप सब, उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 12 अक्टूबर, कल है करवा चौथ, तो 2 दिन से मैं बहुत बिजी थी, कोई भी ब्लॉग नहीं किया है, बनाया भी नहीं है कोई भी, और आज है लास्ट डे। तो मैं अभी हो रहा है 10 o'clock और मॉर्निंग में रेडी हो गई बिकॉज शॉप पे आने वाला है वर्क। तो आज मैं दिखाती हूँ क्या क्या वर्क हो रहा है शॉप पे, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगी, पूरा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी सबके लिए, तो मैं दिखाऊंगी आज के वर्क शॉप पे कैसे चल रहा है, मैंने कैसे आज के दिन को घर पे भी कैसे हैंडल किया है और शॉप को भी कैसे हैंडल किया है। तो बेसिकली मैं दिखाने जा रही हूँ आज घर पे और शॉप पे मैं कैसे काम करती हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए, और मैंने कर दिया है बहुत लाइट सा मेकअप शॉप के लिए, जिससे क्लाइंट्स आते रहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेंटेन रहना है। और मैंने अपना फेशियल वगैरह सब ले लिया है और सारा मेरा सारा सब कुछ हो गया है करवा चौथ के लिए, बस सिर्फ पूजा का सामान आना है। सो वो मुझे आज शाम को टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी पूजा के लिए, फिलहाल देखती हूँ। और अभी मैं बस रेडी हो गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको मेरा अपना पूरा लुक। तो ये रहा आज का मेरा पूरा ऑल ओवर लुक, और ये जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने मीशो से मंगाया है, और अंदर मैंने एक इनर डाली है, तो ये देखिए। तो मैं बस इस तरह से कुछ रेडी हो गई हूँ जिससे काम कर सकूँ शॉप पे और कंफर्टेबली मैं सारा वर्क कर लूँ। तो बस ये रहा मेरा OTTP, तो चलिए बस चलते हैं काम की स्टार्ट करते हैं।
टॉप पे, और ये देखिए शॉप पे काम चल रहा है और स्टाफ लगा हुआ है मेरे वर्क करने पे, तो चलिए अच्छा है। बारिश आज बंद हो गई है तो शॉप पे काम चालू हो गया है और मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी कुछ काम, तो ये देखिए फाइनली मैं भी कुछ कर रही हूँ। क्योंकि शॉप पे थोड़ा सा रश था तो दोनों ही लड़कियाँ बिज़ी हैं और मैं यहाँ पे आईब्रोज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दो दिन बाद मौसम बिल्कुल खुल गया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अब बारिश होगी, तो चलिए शाम को शायद चांद दिख जाए सही समय पे। The next morning. कर उठी हूँ और आप सभी लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। और मैं उठ तो जल्दी गई थी, बेटी को स्कूल भेजा है, फिर मैं सो गई हूँ बिकॉज कुछ काम भी नहीं था आज करने को। और मॉर्निंग में अगर चाय ना मिले तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि चाय पीने की आदत है, बट हम लोग में आज चाय पानी कुछ भी नहीं पीते, तो मैं फिर से सो गई थी कि थोड़ा सा टाइम हो। और अभी हो रहा है 10:30 और कल देखिए शॉप पे इतना काम होने की वजह से मेरे एक हाथ में मेहंदी ही नहीं लगी है, सिर्फ एक हाथ में लगी है, ये देखिए सिर्फ एक हाथ में लगी है और वो भी यहाँ पे नहीं लगाई अभी सॉरी। तो देखिए टाइम मिला अगर तो मैं आज इसमें लगवाऊंगी मेहंदी, बिकॉज रात में 10 बजे तक शॉप पे काम हुआ है, उसकी वजह से मैं बहुत थक भी गई थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मेहंदी लगवाऊं बाद में। और अभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लगवाऊंगी मेहंदी। और बस बे नायशा स्कूल गई है, अभी है नहीं, मैं बैठी हूँ अकेले। और इस बार हस्बैंड के पास भी जाना नहीं हुआ, नहीं तो हर बार मैं वहाँ चली जाती हूँ। और ये देखिए ये है मेरी चांदी की प्लेट और चांदी का करवा, जो कि एक साल बाद मैंने निकाला तो थोड़ा ब्लैक हो गया था, तो अभी मैंने इस पे लगा के रख दिया है एक कोलगेट का पेस्ट, जिससे ये बहुत अच्छे से भी आप देखिएगा एकदम क्लीन हो जाएगा। और यही मैंने अपने सिल्वर के पायल और जो बिछिया होती है उसको भी डाल के गर्म पानी में रख दिया है, तो अभी इसको भी क्लीन करना है। और आज के दिन ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी वाला काम हो जाता है, बिकॉज आज थोड़ी भारी भारी पायल और बिछिया निकलती हैं जो हम नॉर्मली नहीं पहनते हैं, उनको निकालते हैं तो वो क्लीन करना ज़रूरी होता है, तो मैंने जल्दी से सोचा कि इसको क्लीन कर दूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। 2 hours later ये देखिए फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है और अभी मैंने जाके शॉप पे मेहंदी लगवा ली है क्योंकि शॉप पे लड़की आ गई, तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगी फिर स्टार्ट करूँगी काम। और इसको सिर्फ 1 घंटे रखना है, जैसे ये ड्राई हो जाती है बस इसको निकाल देंगे हम ड्राई पे। और चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं फिर उसके बाद। और मैंने दाल भीगने को रख दी है ऐसे ही मेहंदी लगे हाथों में, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी छूट भी गई है ये देखिए, तो बस थोड़ा सा। अभी हो रहा है 6:30 और फटाफट मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर अपने आप को भी तैयार करने बहुत लेट हो गया है, तो चलिए जल्दी से पूजा की तैयारी करते हैं आइए। और ये देखिए सारा सामान मैंने लगा लिया है फिलहाल, बस नीचे कैलेंडर वगैरह हाथ मुंह धुल के लगाना है, तो मैं बस यहाँ पे मंदिर के नीचे सफाई करती हूँ, ऊपर की सफाई अभी करनी है। तो मैंने पैरों में कलर लगा लिया है ये देखिए, अभी मैं ये पायल पहनूंगी। और अभी मैं मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए ये बिछिया लेके आई हूँ, देखिए मैं इसको पहनने जा रही हूँ बस, तो मैंने नेल पेंट लगाई थी, इस डिज़ाइन की बिछिया है ये, बस मैं अभी पहनूंगी। और मेरी मेहंदी का कलर आ गया है सुंदर सा, तो अभी मैं बस चूड़ियाँ डालने फिलहाल ये पहनूँ, तो देखिए नई जो होती है कितनी साफ साफ लगती है। और ये देखो मैंने साफ करी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं साफ़ हो पाई है जितना नए में रहता है, तो फिलहाल कोई नहीं, चलिए बस इनको पहनते हैं।
कलर लगा लिया है और पैरों के डेकोरेट कर लिया है। जो नई बिछिया मैं लाई थी वो मैंने पहन ली है और हमारे यहाँ सबसे पहले पैरों से रेडी होते हैं। और अभी मैं शॉप पे पहुँच गई हूँ मेकअप करने के लिए और ये मैंने पूरा मेकअप 15 मिनट